Okay, session 2, week 6. So till then जो हमने देखा है up to slide number 8, ये सारे basic concept थे. Basic concept about के point estimation क्या होती है और interval estimation क्या होते हैं. अब जो है वो हम जो है वो start करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंट पैरामीटर्स. कुछ नई चीजें हैं और कुछ वही कॉन्सेप्ट्स हैं. एक दफा समझ लीजिएगा स्लाइड में भी 9 और 10, बस उसके बाद बाकी आसान है. तो कॉन्फिडेंस इंटरवल सिंगल मीन के लिए कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हाँ सुना आप लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, तो जो आपके पिकनिक ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने एस्टीमेट किया हुआ होगा कि हमारे पास जो ऑडियंस आएगी, जो स्टूडेंट्स पे करेंगे या कमिट करेंगे कि हम जाएंगे पिकनिक पे, वो एक लिमिट होगी. उन्होंने सोचा होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली कितने होंगे, मे बी 200 से लेकर 300 हों रफली, जस्ट एन एस्टीमेट. तो कॉन्फिडेंस इंटरवल उन्होंने काउंट के लिए इस्तेमाल करना होगा, रफ एस्टीमेट, ताकि उनकी कॉस्टिंग पूरी हो सके और एक्सपेंसेस कवर हो सके. तो रियल लाइफ में हम इसी तरीके से काम करते हैं कि हम लेस वैल्यू, स्मॉलर साइड वैल्यू और लार्ज साइड वैल्यू दोनों एस्टीमेट करके फिर अपनी जो मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं वो करने पड़ते हैं. है सिंगल मीन और पॉपुलेशन मीन के लिए दो पॉपुलेशन हो सकती हैं, तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल के फूड क्वालिटी इन कराची, एवरेज फूड क्वालिटी इंडेक्स इन कराची एंड एवरेज फूड क्वालिटी इंडेक्स in Hyderabad. So, तो हम कराची के फूड क्वालिटी को और हैदराबाद के फूड क्वालिटी के इंडेक्स को कंपेयर कर सकते हैं. तो दो पॉपुलेशन हो गई, एक कराची की पॉपुलेशन जहाँ फूड क्वालिटी इंडेक्स फ्रॉम कराची एंड फूड क्वालिटी इंडेक्स फ्रॉम हैदराबाद, और उन दोनों पॉपुलेशन को हम कंपेयर कर लें. इसी तरीके से पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए जो है प्रोपोर्शन माने कि giving your ओपिनियन अबाउट सम प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल, क्या आप जो है वो इस गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी से सेटिस्फाई हैं, या आप इस गवर्नमेंट की मैनेजरियल क्वालिटी से सेटिस्फाई हैं या नहीं है, तो हम इस तरीके का सर्वे कर सकते हैं. आई थिंक कब की बात हो गई है, 2005 या 2006 में मैंने अपने सुपरवाइजर के कहने पर उनका एक डाटा था जंग अखबार के लिए, तो हमने आर्टिकल लिखा था, लिखा भी था मैंने, और मैंने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की हेल्प से आई थिंक मोर देन 1000 रिस्पॉन्सेज आए थे उनकी डाटा कलेक्शन और डाटा एंट्री करवा के, और वो जंग अखबार में पब्लिश करवाया था, डॉक्टर आदिल बर्नी के नाम से पब्लिश हुआ था. तो ये काम होता है, वो शर मुशरफ के गवर्नमेंट का काम था. ये काम किया जाता है गैलप सर्वे के नाम से या स्मार्ट सर्वे हो गया, ताकि उससे पब्लिक ओपिनियन ली जा सके कि पब्लिक क्या कहती है गवर्नमेंट डिसीजंस के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इज लाइक ए ऑर्डिनेट फॉर पब्लिक, तो वहाँ पे पता लग जाता है. तो प्रोपोर्शन का मतलब यह है कि ओपिनियन किसी करेक्टरिस्टिक के बारे में, या मिसाल के तौर पर मैंने अच्छी एग्जाम्पल भी दिया आगे इसमें. कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वेरियंस की जब बात करेंगे, वेरियंस मतलब वेरिएबिलिटी, किसी चीज़ में हाई फ्लक्चुएशन है. मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आजकल वेदर जो है ना काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है. कल सुबह बहुत गर्मी थी, फिर बारिश हो गई, आज दोपहर, आज सुबह गर्मी है, तो फ्लक्चुएशन हो रहा है, वेरिएबिलिटी है, फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हो रही है. तो हम वेरिएंस भी देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई वेरियंस के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल बना के दिखाइए. कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या हो गया, कि हम सैम्पल के बेसिस पे एक वैल्यू एस्टीमेट करने के बजाय दो वैल्यूज एस्टीमेट कर रहे हैं, और लोअर साइड को लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल वैल्यू, लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट, और अपर साइड वाली को अपर कॉन्फिडेंस लिमिट कह रहे हैं. अच्छा, जब हम मीन के लिए कॉन्फिडेंस, पॉपुलेशन मीन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाएंगे, तो हमने सैंपल मीन एक्स बार यूज करना है. आई डोंट नो व्हाई दिस रोल्स हियर, सो गिव मी वन सेकंड टू लेट मूव फ्रॉम हियर. ओके, सो वी कैन हैव कॉन्फिडेंस, हमें हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल मीन के लिए हो सकता है, प्रोपोर्शन के लिए हो सकता है, वेरियंस के लिए हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. जैसे मिसाल के तौर पे पॉपुलेशन रेशो की बात कर लीजिए,
इसी तरीके से मुख्तलिफ इकोलॉजी में चले जाएंगे तो वहाँ पे अलग है, जियोलॉजी में जाएंगे तो वहाँ पे अलग कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन होती है, स्पेस साइंस में जाएंगे तो वहाँ पे अलग तरह के कॉन्फिडेंस इंटरवल रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेस जैसे बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक स्टडीज में अलग तरह की रिक्वायरमेंट है। हर जगह पे कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, एप्लीकेशन अलग अलग हो जाएंगी, थोड़े बहुत फॉर्मूले भी वेरी करते हैं लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेंगे। अच्छा, जब वेरियंस के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करते हैं तो उसमें यू नो के वेरियंस तो पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव हो नहीं सकता, इस वजह से कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वेरियंस राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि जीरो से स्टार्ट होगा और अप टू इन्फिनिटी चल रहा होगा, और लोअर लिमिट का स्क्वायर। अच्छा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये राइट स्क्यू है, ये नॉर्मल नहीं है, दैट इज़ वाई कि इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय इसका एक नया नाम है, जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जेड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वैसे ही ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका नाम है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, CHI लिखते हैं और KI इसको पढ़ते हैं, KI काई लिखते हैं, चाई चाय चाय नहीं चाई, और लिखते हैं KI काई। और इसकी आप इस देख लीजिए ये, तो ये दिस इज अ राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द वेरियंस ऑफ ए पॉपुलेशन। हम स्टार्ट करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन, लेकिन इसमें तीन सिचुएशन है जो कि हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में लास्ट टाइम देखी थी। ऐसा होता है कि पॉपुलेशन वेरियंस गिवन हो, अजीब सी बात है, पॉपुलेशन वेरियंस ये है कि भाई पूरी पॉपुलेशन में कितनी वेरिएशंस हैं, वेरिएशन फॉर एग्जांपल फूड क्वालिटी इंडेक्स कराची में हो सकता है, कराची में आप एक एरिया में फूड खरीदें तो उसकी क्वालिटी डिफरेंट हो, और कराची के एक फार एरिया में कोई जैसे समंदर से बहुत करीब हो वहाँ के फूड क्वालिटी की जो है वो डिफरेंट, फूड क्वालिटी इंडेक्स जो है वो डिफरेंट हो, तो हम कहेंगे वेरिएशन है। अगर आपको पूरी पॉपुलेशन में वेरिएंस पता है, पूरे कराची सिटी की वेरिएबिलिटी इन द फूड क्वालिटी इंडेक्स पता है, तो हम कह देंगे कि ये सिग्मा स्क्वायर इज नोन। रियल लाइफ में बहुत कम ऐसा होता है कि आपको पॉपुलेशन वेरियंस नोन हो, नोन नहीं होता है, इस वजह से हम कहते हैं कि पॉपुलेशन सिग्मा स्क्वायर इज अननोन। लेकिन आपका सैंपल साइज जो है जो आपने सर्वे किया वो बड़ा है, 30+ है, तो अगर 30+ सैंपल साइज है, हम क्योंकि स्टैटिस्टिक्स काफ़ी मासूम सा सब्जेक्ट हो चुका है, तो इस वजह से वी कैन से 30 इज सफिशियंट सैंपल साइज और लार्ज सैंपल साइज। फिर थर्ड केस है सिग्मा स्क्वायर इज अननोन, लेकिन साथ ही साथ एन इज ऑल्सो लेस देन 30, सो दैट्स द पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन और पॉइंट ऑफ वरी दैट योर सैम्पल साइज इज स्मॉल एंड यू डोंट नो पॉपुलेशन वेरियंस, तो यहाँ पे हमें टी डिस्ट्रीब्यूशन या नया फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये स्लाइड है समझ लें, तो आगे स्लाइड सेम कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। सबसे पहले हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ा था लास्ट क्लास में वीक 5 में, उसमें था सैम्पल मीन फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन इज म्यू, वेरियंस इज सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, यानी ये म्यू जो है ये इसको हम म्यू भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन ऑफ सैंपल मीन, मीन ऑफ सैंपल मीन्स इज म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन्स इज सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। इसको हम जेड में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि क्वेश्चन जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखा था, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तो आपको लाजमी है कि आप पहले अपने डेटा को z टेबल की शॉर्ट फॉर्म में z फॉर्म में लेकर आए, z में अब क्योंकि पहले x था अब x बार है, तो यहाँ लिखा है x बार माइनस मीन ऑफ x बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बार, मीन ऑफ x बार अभी हमने देखा विच इज म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बार इज सिग्मा ओवर अंडर रूट n, सो वी हैव x बार माइनस मीन बाय सिग्मा ओवर अंडर रूट n। इसमें आप देखें अननोन क्वांटिटी म्यू आ रही है, क्योंकि म्यू अननोन है इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्वांटिटी टोटली अननोन हो गई। जब भी आप कहते हैं ना कि एक वेरिएबल क्वांटिटी लगे जिसकी वैल्यू नहीं पता, तो हम उसको पूरी पूरी चीज़ को ही वेरिएबल कह सकते हैं। लेकिन आपको ये भी पता है कि जेड डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका मीन जीरो होता है, वेरियंस वन होता है। इसी वजह से अगर इस फंक्शन को आप देखें, इस डायग्राम को, इसमें मीन वैल्यू जीरो दिखाई हुई है बिकॉज दिस इज द शेप ऑफ ए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं 90% कॉन्फिडेंट होता तो लेफ्ट साइड पे 5% रीजन बचेगा और राइट हैंड साइड पे 5% रीजन होगा। इसी तरीके से अगर हम उसको जेड नोटेशन में लिख दें इन प्लेस, अगर हम उसको जो है वो 5% की जगह
अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू कहते हैं, वन माइनस अल्फा बीच में आ जाए और अल्फा बाई टू लेफ्ट पे है और अल्फा बाई टू एरिया राइट पर है, तो उसका जो कट पॉइंट है जहां से ये कॉन्फिडेंस इंटरवल जो ग्रे रीजन है ये सेपरेट हो रहा है व्हाइट रीजन से, तो कट पॉइंट वैल्यू बनेगी माइनस अल्फा माइनस जेड अल्फा बाई टू एंड प्लस जेड अल्फा बाई टू। इनको हाइपोथेसिस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कहते हैं क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यू के राइट साइड पे आप देखें शेडेड रीजन है लोअर साइड से और उल्टे हाथ पे व्हाइट रीजन है, और राइट हैंड साइड से देखें तो राइट हैंड साइड के लेफ्ट साइड पे जो है वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल है और राइट साइड पे वो है व्हाइट रीजन है जो कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रीजन है। हम ये करते हैं क्योंकि जेड अननोन है, हमने कह दिया जिसके अंदर मीन वैल्यू इस्तेमाल हो रही है म्यू, हमने कह दिया इस चीज की प्रोबेबिलिटी के म्यू ट्रांसफॉर्म म्यू, ट्रांसफॉर्म म्यू को किसको कह रहे हैं जेड को कह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म म्यू लाई बिटवीन माइनस जेड अल्फा बाई टू एंड प्लस जेड अल्फा बाई टू इज वन माइनस अल्फा, यानी ये लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू के दरमियान जितना रीजन है ये है वन माइनस अल्फा प्रोबेबिलिटी। इस तरह से भी सॉल्व किया जाता है और इसको बगैर प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट के सॉल्व किया जाता है। सो अब देखें z की वैल्यू है x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर अंडर रूट n, एंड अगर इस अब आपने कैलकुलस पास किया हुआ एंटर भी करके आए हैं, तो अगर आप इसी इनइक्वालिटी को शॉर्ट करें और इसको सिग्मा और अंडर रूट n को लेफ्ट साइड और राइट साइड मूव कर दें, x बार को लेफ्ट और राइट मूव कर दें और माइनस म्यू बीच में रह जाएगा, माइनस म्यू के जो नेगेटिव साइन है उसको लेफ्ट और राइट मूव करें, तो फाइनली आपके पास ये शक्ल बनेगी x बार माइनस जेड अल्फा बाई टू। z क्या चीज है, z टेबल से आएगा, सिग्मा वन अंडर रूट n लेस देन म्यू लेस देन x बार प्लस z अल्फा बाय 2 सिग्मा वन अंडर रूट n, और इस चीज की प्रोबेबिलिटी के अननोन म्यू वैल्यू जो है जो अननोन पैरामीटर म्यू है वो इस लोअर लिमिट और अपर लिमिट के दरमियान लाई करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस अल्फा, या इसका जो एरिया है ये जैसे यहां दिखाया हुआ एरिया जो है वो 1 माइनस अल्फा है। तो ये जो P के अंदर जो ब्रैकेट्स में जो कुछ लिखा हुआ है ये कहलाता है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू अननोन पैरामीटर म्यू व्हेन सिग्मा इज नोन। सॉरी, तो ये केस नंबर वन बनता है जो कि हमने यहाँ देखा, केस नंबर वन वाज व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नोन एंड वी आर मेकिंग द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन म्यू। ओके, इफेक्ट ऑफ अल्फा, अभी हम ये देख चुके हैं कि अगर हम अल्फा की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो 1 माइनस अल्फा डिक्रीज हो जाएगा, अगर अल्फा 10% है तो 1 माइनस अल्फा 90% है, जैसे जैसे अल्फा इंक्रीज करेंगे अल्फा डिक्रीज करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल बड़ा हो जाएगा, और अगर हम अल्फा की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे जैसे 0.01 से 0.05 या 0.10 या 0.20 करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल स्मॉलर एंड स्मॉलर होता चला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, और सेकंड चीज है सैंपल साइज, इससे क्या इफेक्ट होगा, यहाँ देखें डिनोमिनेटर में है, जब डिनोमिनेटर में कोई चीज होती है तो वो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप रखती है, व्हेन वी इंक्रीज सैंपल साइज, जैसे हमारे पास सैंपल साइज 10 है फिर 20 फिर 50 फिर 100 आप करें, जितना ज्यादा बड़ा सैंपल साइज होगा उतना ही स्मॉलर जो है आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा, ये जो बेल शेप नजर आ रहा है ना, जितना ज्यादा बड़ा कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा ये स्ट्रेच सॉरी ये कंप्रेस होता चला जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, छोटा होता जाएगा और वर्टिकली लंबा होता चला जाएगा, और इस एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर सैंपल साइज आप बहुत ही थाउजेंड्स मिलियंस पे कर देंगे तो आपको सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी और उसकी बाउंड्रीज होंगी बिल्कुल ही नैरो डाउन होके बहुत ही शॉर्ट हो जाएंगी। अगर आपने नाम सुना हो क्वालिटी कंट्रोल में सिक्स सिग्मा स्टैंडर्ड्स का, तो सिक्स सिग्मा स्टैंडर्ड यही करते हैं कि वो आपका प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी हाई कर देते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन तकरीबन जीरो हो जाता है, और जब स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो हो जाएगा तो आप देखें अगर मैं सिग्मा की जगह जीरो पुट करूं तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी और ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, तो म्यू इज इक्वल टू एक्स बार हो जाएगा। तो आप देखते हैं ना मोबाइल्स हो गए, सैमसंग के मोबाइल लीजिए या कोई बड़ी कंपनीज की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें फॉल्ट्स निकलते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते, ये कॉन्सेप्ट है ना। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं सिक्स सिग्मा स्टैंडर्ड्स के जो कि इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा बिग कॉन्फिडेंस इंटरवल मींस मोर सर्टेनिटी, लेकिन इन द सेम ऑन द सेम वे
ऑन द सेम पॉइंट, जितना ज्यादा बड़ा कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा उतना ही म्यू की वैल्यू जो है ना होगी तो उसके इंटरवल के अंदर ही, लेकिन उसकी मतलब रिलायबिलिटी कम हो जाएगी। अब एक स्टूडेंट है वो कहता है कि मेरा एक्सपेक्टेड है कि मेरा जो है वो 75% से 77% रिजल्ट आएगा, तो हम कहते हैं बड़ा कंसिस्टेंट है। एक स्टूडेंट कहते हैं 60 से लेकर 90% के दरमियान कुछ आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि तो बड़ा वेरिएबल हो गया। जितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी होती है उतनी स्मॉल रिलायबिलिटी होती है, क्योंकि आप जो कहते हैं ना चाइना की प्रोडक्ट का, कि हो सकता है कि चल जाए तो चल जाए और नहीं चले तो खराब निकलेगी, तो वो वाली बात होगी कि हो सकता है कि रिलायबल है तो फिर तो बहुत ही रिलायबल है, और अगर रिलायबल नहीं है तो खराब हो जाएगी। तो जिस चीज की रिलायबिलिटी कम होती है उसकी उसकी प्राइस भी कम हो जाती है। ये इशू है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल जितना नैरो होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन उसमें आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल को लो भी करना है और रिलायबिलिटी को हाई भी करना है। ये मैं खैर उसमें नहीं जाऊँगा, रिलायबिलिटी थ्योरी जब पढ़ते हैं, रिलायबिलिटी मॉडलिंग जो है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और उससे आगे की फैमिलीज से आता है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और इंजीनियरिंग में ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, हम लोग कंप्यूटर साइंस में लोग नहीं पढ़ते क्योंकि हम कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर सोसाइटी है, तो कंज्यूमर सोसाइटी जो होती है वो प्रोडक्ट कंज्यूम कर लेती है, तो हमें तो बना बनाए मिलता है वो यूज़ कर लेते हैं। और जैसे वहाँ यूके में एस्फॉल्ट होता है ना, रोड बनाने के लिए जो एस्फॉल्ट यूज़ करते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी जब बन रही थी तो मुझे थोड़ा सा काम करने को मिला, और उसके अंदर वो रिलायबिलिटी और सिमुलेशंस वगैरह जो है सब इस्तेमाल हो रही होती है। मतलब इंजीनियर्स होते हैं लेकिन उनकी स्टेटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि आपके सामने खड़े हो सकते हैं। हाँ, वेब डेवलपमेंट नहीं आती उनको, लेकिन उनको जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो आपसे ज़्यादा अच्छी आ रही होंगी। तो ये है क्योंकि सब्जेक्ट डिफरेंट है लेकिन उनको पढ़ना सब कुछ पड़ता है। एनीवे, ओके, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये टेबल एक दिया हुआ है, इस टेबल में देखें अगर मुझे 90 z टेबल की वैल्यूज हैं जो कि हमें यहाँ यूज करनी है, यहाँ पे और यहाँ पे सेम वैल्यू होगी यहाँ पर यहाँ पे। अगर आप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाएंगे तो आपको 1.96 रखना है यहाँ पे, अगर आपको 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है तो आपको 2.576 रखना होगा, 90% बनाना तो 1.645 रखना होगा। ये कहाँ से आ रही है वैल्यूज? ये z टेबल से आ रही है, यानी आपको z टेबल के अंदर जो छोटे छोटे नंबर लिखे होते हैं उन नंबर से रिवर्स इंजीनियर करना होता है, यानी आपको इनसाइड द टेबल वैल्यू सर्च करनी होगी और उसके लेफ्ट और उसके टॉप में जो z स्कोर्स लिखे हुए होंगे वो सर्च करने होते हैं। अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी है रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स टेबल की तो इसने अभी तक यूज नहीं किया, और लकीली कि हमें एक टेबल शॉर्ट फॉर्म में मिल गई है और इस टेबल के अंदर ये सारी चीजें एक्सप्लेन है। ओके, आई रेंडमली सिलेक्ट 46 स्टूडेंट्स मैथ सेट स्कोर्स एंड फाउंड एक्स बार इक्वल्स 600। आई नो दैट सिग्मा फ्रॉम दिस पॉपुलेशन इज 50, ये बता दिया पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन 50 है। फाइंड ए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड इंटरप्रेट। अब यहाँ पे 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बताया है तो उसका मतलब 5% जो होगा वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा बल्कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, जिसको हम कह सकते हैं 0.025। और 1.96 कहाँ से आ रही है? 1.96 इस टेबल को आप देखें तो ये दिया हुआ है वैल्यू, सो वी कैन से एक्स बार एंड माइनस जेड अल्फा बाई टू एंड प्लस जेड अल्फा बाई टू। तो अगर इसको देखें तो ये वैल्यू आ रही है, वैल्यू पुट करने का काम है, इसमें ज़्यादा हार्डवर्किंग नहीं है। आपने क्वेश्चन अगर सही समझ लिया है तो सिर्फ आपको वैल्यूज फीड करनी होती है फार्मूले के अंदर। तो आप देखें कि बेस्ड ऑन द सैंपल ऑफ 46 स्टूडेंट्स 585.6 से लेकर एवरेज स्कोर 614.6 तक आ रहा है। तो ये वैल्यू यहाँ पे लोअर साइड पे हम 585.6 लिखते हैं और राइट हैंड साइड पे 614.6 लिखते हैं तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आ सकता है। आप चाहें तो 46 को चेंज करके 100 भी करके देख सकते हैं, 200 भी करके देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ही आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो श्रिंक करता जाएगा, शॉर्ट होता चला जाएगा। तो ये एक एनालिसिस होगी सैंपल साइज की बेसिस पे कॉन्फिडेंस इंटरवल पे क्या इम्पैक्ट आता है। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है सिंपल से, ये आपने कोशिश करना है। और
मुझे जो है सेकंड और थर्ड केस एक्सप्लेन करना है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम की केस नंबर टू में ये है कि सेंट्रल मीन फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा एस स्क्वायर ओवर एन। सिग्मा गायब कर दिया बाय सिग्मा अननोन है, सिग्मा अगर नोन नहीं है तो हम उसकी जगह पे सैंपल वेरिएंस को यूज करते हैं, क्योंकि सैंपल वेरिएंस इज ए अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, यानी जहां जहां पे सिग्मा स्क्वायर अननोन होगा हम उसको स्ट्रेट एस स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। नहीं नहीं अल्फा बाय टू एक प्रोडक्ट नहीं है बल्कि अल्फा बाय टू इज ए प्रोबेबिलिटी। जैसे अगर z 0.05 लिखा हुआ है इसका मतलब मुझे z की वैल्यू चाहिए है जबकि प्रोबेबिलिटी 0.05 हो। अभी तक जो आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करी थी उसमें ये होता था कि z की वैल्यू आपको दी होती थी जैसे -2.50, तो आप -2.5 लेफ्ट से देखते थे कॉलम वाइज कॉलम फर्स्ट कॉलम में और 0.00 जो है वर्टिकली देख लेते थे। अब आप रिवर्स सोचें, रिवर्स ये सोचें कि आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है जो कि बहुत सारे नंबर्स जो लिखे हुए हैं अंदर 0 से 1 तक, और उससे आपको रिवर्स करके जेड की वैल्यू निकालनी है। बात समझ आ रही? हमने जो अभी तक पढ़ा था उसमें था कि हम जेड वैल्यू से प्रोबेबिलिटी निकालते थे, यहाँ पर ये है कि प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी कितनी है अल्फा बाय टू, प्रोबेबिलिटी से जेड वैल्यू निकालनी है, रिवर्स प्रोसेस। इसको कहते हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन या नॉर्मल इनवर्स टेबल, टेबल भी होता है और वैसे भी कर सकते हैं। तो आप देखें एन की वैल्यू 30 प्लस है और सिग्मा अननोन है, तो फिर आपको ये देखें सिर्फ चेंज ये आ गया कि एस ओवर अंडर रूट एन यूज कर रहे हैं, बाकी कोई चेंज नहीं किया। अगर आपको सिंपली सैंपल साइज की इंफॉर्मेशन दी जाए और ये पता ही नहीं है कि सिग्मा इज नोन और अननोन, तो आप उसको अननोन अज्यूम करेंगे और ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सैंपल्स अगर अगर केस नंबर वन की बात करें तो उसमें तो सिर्फ ये देखा था हमने कि सिग्मा इज नोन और अननोन, सिग्मा नोन है तो केस वन, और अगर सिग्मा नोन नहीं है तो फिर हमें केस टू या केस थ्री देखना होगा। केस टू ये कह रहा है कि एन लार्जर देन 30 और केस थ्री ये कह रहा है कि एन लेस देन 30, बस ये चेंजेस आई हैं। और अगर आप समझें तो क्या चेंज हुआ, सिग्मा की जगह एन ऐसा आ गया, एन वही है, ये चेंज हो गया। In place of using Z distribution, now we are using T distribution. आपको याद हो T distribution में दो चीजें होती हैं, एक कहलाती है N-1 degrees of freedom, number of free observations, और एक होती है probability alpha by 2. तो हमें Z table use करना है। I think I can show you Z table right now. One second. Not Z table, sorry. Table. टेबल हाँ देखें फर्स्ट कॉलम में क्या नजर आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर जंप आ गया 30 तक तो सही है, 30 के बाद देखें 40, 60, 80, 100, 1000। सेकंड थिंग आपको 0.05 पे वैल्यू चाहिए या 0.025 पे वैल्यू चाहिए, ये ऊपर लिखा है। अगर आपको 0.025 पे चाहिए तो आप ये वाला कॉलम पिक करेंगे और इस कॉलम में सपोज कर लें 46-45। अगर मैं सपोज करूं मुझे 45 पे वैल्यू सेट करनी है तो 45 तो है नहीं, तो मैं 40 पे देख लूं या 60 पे देख लूं और एवरेज कर लूं, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। वरना आपको इसके जो कैलकुलेटर बने हुए होते हैं टी टेबल कैलकुलेटर ऑनलाइन, उनसे वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, सिर्फ फर्क ये आ गया कि टी टेबल के अंदर आपको दो चीज़ें देखना पड़ रही हैं, एक सैम्पल साइज सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम और यहां से आपको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या अल्फा बाय टू की वैल्यू। तो ये फॉर्मूला जो है वो दिस इज केस नंबर 3 फॉर सिंगल पॉपुलेशन मीन म्यू। यहां तक कोई क्वेश्चंस हैं? चेक कर दो, चेक कर दो, किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो बता दीजिए ताकि फिर जो है हम आगे, लास्ट आज ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं था और इसलिए ये जल्दी कवर हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर प्रोपोर्शन। एक्चुअली इसको टाइप करने में भी काफी ज्यादा टाइम लग रहा है इक्वेशंस और एडिटिंग में, तो इसलिए भी ज्यादा मैं पूरा कर नहीं सकता इसको। वैसे भी हम लोग अराउंड 50% कोर्स पे पहुंच चुके हैं और अब जो है वो यानी
आई होप सो के बाय मिड ऑफ नवंबर हम खत्म कर लेंगे एग्जाम आपके। आई डोंट नो मे बी दिसंबर में किसी डेट्स होंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है क्या चीज? ए पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज डिफाइंड एज सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ ए पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स लिविंग मोर देन 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अब कराची तो शहर ही इतना बड़ा हो चुका है कि 10 किलोमीटर्स इज नॉट वेरी लार्ज, लेकिन अगर रियल में देखें तो ये 10 किलोमीटर बड़ा अमाउंट है। प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग हैविंग ब्राउन आइज एंड प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु डोंट लाइक पोटैटो क्रिस्प। हो सकता है आप लोगों में से कुछ ऐसे बच्चे भी हों जो कि पोटैटो चिप्स नहीं खाते हो, तो ये हो सकता है प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु डोंट लाइक क्रिस्प पोटैटो क्रिस्प। हो सकता है वो बनाना क्रिस्प पसंद करें या बीट रूट क्रिस्प पसंद करें, तो डिफरेंट टाइप के होते हैं। सैम्पल प्रोपोर्शन ऑन द अदर हैंड इज द सैम्पल रिजल्ट बेस्ड ऑन द फ्रॉम टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो अब देखें कि पॉपुलेशन के रिजल्ट्स को हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो सैंपल है उसके रिजल्ट्स को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैपिटल पी इज इक्वल टू एक्स ओवर एन एंड पी कैप इज बेसिकली द सैंपल रिजल्ट विच इज स्मॉल एक्स ओवर एन। We can get sample अब मसला ये आ रहा है कि जैसे हम बार बार रिपीट कर चुके कि एक सैंपल तो होगा नहीं। अगर आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहते हैं दैट मीन्स यू कैन हैव मल्टीपल सैम्पल्स। एक ही पॉपुलेशन से आपके पास बहुत सारे डिफरेंट सैम्पल्स बन सकते हैं। इस वजह से जब एक चीज़ चेंज होती है, जो चीज़ वेरिएबल होगी या हम उसको स्टेट्स में कहते हैं रेंडम वेरिएबल होगी, तो हम उसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी बना सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम देखेंगे कि प्रोपोर्शन का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। सेंट्रल लिमिट थ्योरम में देखा था कि सैम्पल मीन का जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन प्रोपोर्शन के लिए जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो दैट मीन्स यहाँ पे देखें ये आ गई प्रोपोर्शन का सैंपल प्रोपोर्शन का मीन इक्वल्स पॉपुलेशन प्रोपोर्शन एंड सैंपल प्रोपोर्शन का वेरिएंस वो है पी इंटू वन माइनस पी। वन माइनस पी इज बेसिकली क्यू पी क्यू बाय स्मॉल एन। आप देखें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सैंपल प्रोपोर्शंस इज आल्सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसका मीन जो होता है पी होता है और वेरियंस पी क्यू ओवर एन होता है। इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल ड्राइव करने की जगह का वही अप्रोच होगा z इज इक्वल टू पी माइनस कैपिटल पी डिवाइडेड बाय पी क्यू ओवर एन स्क्वायर रूट विदाउट शोइंग डिटेल्स। जो स्लाइड नंबर 10 थी उसी को फॉलो करते हुए ये कॉन्फिडेंस इंटरवल ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन इस कॉन्फिडेंस इंटरवल में जो लिखा हुआ है इसमें प्रॉब्लम यह है कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करने के लिए हम फिर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ही यूज कर रहे हैं। देखें ये स्लाइड्स के अंदर स्मॉल पी शो किया हुआ ये इमेज है, इसमें स्मॉल पी है बट एक्चुअली इट इज कैपिटल पी। सो यू अज्यूम इट इज कैपिटल पी हियर फॉर दिस ओनली दिस बॉक्स। तो कैपिटल पी एस्टिमेट कर रहे हैं और उसको एस्टिमेट करने के लिए हम अगेन कैपिटल पी ही यूज कर रहे हैं। सो दैट मीन्स लॉजिकली इट इज इलॉजिकल। तो ये काम नहीं कर सकते। क्या करेंगे? कैपिटल पी की जगह पे जहाँ जहाँ पे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन यूज हो रहा था हम उसकी जगह पे कह देंगे रिप्लेस इट बाय P cap माइनस z वैल्यू। अब ये z वैल्यू वही है z अल्फा बाय 2 p cap q cap ओवर n एंड बीच में जो है यहाँ पे कैपिटल p लिखा हुआ। आप चाहें तो उसको लेस देन कैपिटल p लेस देन के साइन के बाद ये लिखें, अदरवाइज इस तरह भी लिख सकते हैं कॉमा लगा देते हैं बीच में लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट एंड अपर कॉन्फिडेंस लिमिट। तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला टू गेट योर रिजल्ट्स। यहाँ सपोज एग्जाम्पल है n इज इक्वल टू 2000 का एक सैंपल साइज है। डू दे वोट फॉर मैक्केन एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यूएस के लिए शायद खड़े हुए थे
जीरो 51% सैंपल ऑफ 2000 में से कहा यस दे वांट मैकेन टू बी द प्रेसिडेंट, नेक्स्ट प्रेसिडेंट, और उसके लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल डिजाइन करना है। 2000 पीपल की बेसिस पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। सपोज यूके यूएस की पॉपुलेशन 32 करोड़ लोग हैं, 32 करोड़ लोगों का एनालिसिस करने के लिए सिर्फ 2000 पीपल से डिसीजन लिया जा रहा है तो बायस, लेकिन रियल लाइफ में 2000 का डेटा कलेक्शन करना, उसकी प्रोसेसिंग करना, ये भी बड़ा एक्सपेंसिव होता है। अगर आप इसको 10 रुपीज पर पर्सन भी कैलकुलेट करें तो 20,000 रुपीज, 10 रुपीज इज नथिंग एट द मोमेंट, तो आप 100 रुपीज टाइम्स 2000 करते हैं तो कम अज कम का अमाउंट आ रहा होता है प्रोसेसिंग के साथ। सो दिस इज 0.51, 95% कॉन्फिडेंस हो रहा है तो इसलिए 1.96 रखी, और पी कैप 1 पी कैप इज 1-0.51 डिवाइडेड बाय सैंपल साइज 2000। इसमें वैल्यूज पुट करी तो हमारे पास रिजल्ट आया 0.488 से लेकर 0.532, दैट मीन्स 48.8% लोगों से लेकर 53.2% लोग जो है वो लाइक करते हैं कि ये प्रेसिडेंट बन जाए मैकेन। पुरानी बात है ये, तो ये सिंगल प्रोपोर्शन कवर किया और तीन केसेस मीन के कवर करे। बाकी जो है अब आएगा नेक्स्ट वीक में, जिसमें टू पॉपुलेशंस होंगी, म्यू वन म्यू टू होंगे, और उसके 5 केसेस हैं और प्रोपोर्शन के जो है वो 1 केस है, तो नेक्स्ट क्लास थोड़े से 6 केसेस होंगे और प्लस 2 केसेस जो है वो होंगे वेरिएंस के, सिंगल वेरिएंस या डबल वेरिएंस। मैं कोशिश करूंगा प्रॉबेबली कि इन द मिडिल ऑफ द वीक मैं उसको कुछ पोर्शन जो है उसमें से बना के आपको शेयर कर दूँ, और बाकी जो है नेक्स्ट वीक करेंगे। ऑलराइट, कोई क्वेश्चंस हैं इसके बारे में, कुछ रह गई बात? चैट, एनी क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं इसको वीडियो को स्टॉप कर दूं और